मध्य प्रदेश में कोरोना के दूसर लहर आए के बाद अब एक बार फिर से एक से लेके आठवीं कक्षा तक के स्कूल खोले पर असमंजस की स्थिति बन रही है। और हालांकि मैया तक कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल से न खुले ही पहली से लेके आठवीं तक के विद्यालय। बेहद बड़ा बयान आवा है यह मामला मां इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री के विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 साल से बंद पड़े कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल जो है 1 अप्रैल से खोले पर एक बार फिर से असमंजस की स्थिति बनी गई। लगातार कोरोना की बढ़त आंकड़ा स्कूल शिक्षा विभाग का चिंता में डाल दी थी। यह बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बेहद बड़ा बयान जो है सामने आवा है। इंदर सिंह परमार का कहा है कि 1 अप्रैल से स्कूल खोले के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के एक रिव्यू मीटिंग करी एमा कई अच्छे स्कूलन के प्राचार्य एक्सपर्ट का बुलावा जी सभी के पहलुन पर विचार की गई। एक बात जो है फैसला ले की फिर स्कूल खोले जाए या नहीं मीटिंग में बैठ कर यह तय की गई कि आगे की योजना का हुई। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा कहा गया यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आवे तब 1 अप्रैल का स्कूल ओपन न हो। एक बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो है स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का जो है पत्र लिख के स्कूल खोले न खोले पर विचार करे का कहा गया है। वहीं छात्रन के अभिभावक स्कूल खोले के विचार पर सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। और एमपी संदेश न्यूज 24 एक एग्जिट पोल चलाए है जौने में अपना पंचन को बताया दी अभी तक 11 से 12 हजार वोटिंग हो चुकी है। जौने में साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि 64% लोग मतलब कोरोना के दूसर लहर आवे से पहले तक वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चन का 1 अप्रैल से स्कूल जो है जाए दे कर तैयार हैं। और 27% लोगन के कहा है कि वो बच्चन का स्कूल नहीं जाए दे चाहता ही जब तक कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल जाए। तो निश्चित तौर पर कोरोना एक बार फिर से चरम में आ रहा है। कोरोना एक बार फिर से अपन स्पीड अपन रफ्तार बढ़ाए रहा है। ओमा यदि कहा जाए कि छोट बच्चन के स्कूलन का खोले पर जो संशय बना है वो मां स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान आवा है स्पष्ट तौर से समझा जा सकता है कि 1 अप्रैल से स्कूलन खुले के संभावना ना के बराबर है। अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद प्रणाम।